चलिए अब हमारे साथ शो में रोहित सिंगरे भी जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। कल जिस तरह से बाजार कारोबार करता हुआ दिख रहा था, आपने थोड़े से गेंस की राय दी थी कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, और वैसे ही हमने देखा था। आज आपको क्या लग रहा है, इंडेक्स पर थोड़ी सी तेजी है आगे बढ़ती हुई दिखेगी? ओके, चलिए समीर जी से हम बात करते हैं। चलिए अब हमारे साथ रोहित सिंगरे भी जुड़ चुके हैं। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। जिस तरह से बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, इंडेक्स पर आपकी क्या राय होगी आज? गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए, निफ्टी के अंदर कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा अगर अवॉइड करके चलेंगे निफ्टी को तो ज्यादा बेटर है। बट कहीं ना कहीं अगर किसी के पास में लॉन्ग से तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 14,620 एक काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां से हम लोग एक बार पुल बैक देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश लॉन्ग्स में अवॉइड करने की सलाह रहेगी। बट यस, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैक्शन काफी बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पर आपको लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार वापस ऊपर की तरफ 33,300 के लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग करने की सलाह है, 32,600 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पर निफ्टी के अंदर एज ऑफ नाउ अवॉइड करके चले। ओके, निफ्टी अवॉइड करने की राय फिलहाल इन लेवल्स पर बन रही है, लेकिन निफ्टी बैंक में आपको अच्छी गेन्स आते हुए दिख सकते हैं। निफ्टी बैंक, आपने स्टॉप लॉस क्या कहा? 32,600 का आपको स्टॉप लॉस रखकर चलना है निफ्टी बैंक के अंदर। ओके, ओके, 32,600 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर की तरफ 33,300 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक बता सकता है। चलिए रोहित, ये बताइए निफ्टी बैंक पर आप काफी पॉजिटिव हैं, खरीदारी करने की राय कोई बैंक पर होगी या और भी कोई स्टॉक्स हैं? नहीं, बैंक्स पर तो नहीं रहेगी, बिकॉज काफी अच्छा ऑलरेडी इंट्राडे का जो मूवमेंट था वो निकल चुका है निफ्टी बैंक को लेके, बैंकिंग स्टॉक को लेके। बट अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी, यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपका जो मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है 6,500-6,600 तक। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 6,300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो कॉनकर रहेगा। कॉनकर के अंदर भी हम लोग को फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले थे, ट्रायंगल ब्रेकआउट हम लोग जिसको कहते हैं डेली चार्ट पर, और वहां से आज के सेशन के अंदर थोड़ा ट्रैक्शन बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कॉनकर के अंदर भी एक बार मोमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ इमीडिएट बेसिस पे 600 रुपए तक का। तो कॉनकर के अंदर खरीदारी करने की सलाह है, 575 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 600 रुपीज का मेरा टारगेट रहेगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और कॉनकर यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह है। ओके, कॉनकॉर और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे खरीदारी करने की राय आज मिलती हुई दिख रही है, और आप देखिए लगातार सरकारी कंपनीज ही हैं जो फिलहाल फोकस में बनती हुई दिख रही है और खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। सीमेंट स्टॉक्स जो खबरें भी आती हुई दिख रही है कि साउथ इंडिया में अब सीमेंट की जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, और इसका जो फायदा है वो सारे सीमेंट कंपनीज को मिलता हुआ दिख रहा है। 6,500 तक के टारगेट्स के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको खरीदारी करने की राय, और निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करने की राय रोहित की तरफ से आती हुई दिख रही है। शुक्रिया रोहित आप कभी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। इस बीच एक बार बाजार पर आप नजर कीजिए, आज काफी स्टॉक्स हैं जहां पे आज फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं जहां